Hey everyone, good morning. Welcome back to our channel and welcome back to another blog. और ये क्लिप है आज ही सुबह का. आज सुबह हम सब कोई तसल्ली से बैठे थे, चाय पी रहे थे. दादा है, शेखर जी है और मयंक भी यहाँ पे देखिए बिस्किट खा रहा है. तो हम लोग सब कोई मिलके एंजॉय कर रहे थे. और ये वाली बिस्किट शायद आपको याद होगा, ये तीन ही खाली बचे हुए हैं, इतने सारे बिस्किट्स थे. और ये बहुत ही अच्छा लगता है चाय के साथ, कुरकुरी सी. तो हम लोग चाय पिए, थोड़ा सा बातें बातें किए सब कोई मिलके, और उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा नीचे फ्रिज से सामान निकालने. एक्चुअली ब्रेकफास्ट बनाऊंगी सबके लिए, ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊंगी, लेकिन उसके लिए कुछ सामान चाहिए. वो सारे फ्रिज से निकाल के मैं लेके जाऊंगी ऊपर और फिर मैं स्टार्ट करूंगी ब्रेकफास्ट बनाना. एक्चुअली खाना बनाना मतलब लंच बनाना तो बाद में स्टार्ट करूंगी, फ़िलहाल मैं ब्रेकफास्ट का तैयारी करूंगी. और ब्रेकफास्ट में मैं ज़्यादा कुछ आज बनाने वाली नहीं हूँ, थोड़ा सा लाइट रहे, जैसे आलू मटर और टमाटर की सब्जी जो होती है ना, वो बना दे रही हूँ. क्योंकि एक्चुअली घर में ओट्स या फिर ब्रेड बटर ऑब्वियसली मतलब एवरी डे बेसिस में ही चलता है, लेकिन संडे का दिन क्या होता है कि थोड़ा सा अच्छा कुछ ब्रेकफास्ट करने का मन हो जाता है सबका. तो सबका मन था आलू मटर टमाटर का जो सब्जी बनता है वो वाला खाने का, और उसके साथ रोटियां सेक दूंगी मैं. पराठा बनाने का सब बोल रहे थे, लेकिन मैं नहीं बनाने वाली हूँ पराठा, क्योंकि सुबह सुबह पराठा बनाने का एकदम मूड नहीं था मेरा आज. तो थोड़ा सा थकी थकी सी भी लग रही थी, पता नहीं क्यों. तो मैं यहाँ पे फटाफट से, आलू मेरा लाल हो गया है, मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर जो मैं कट करके रखी थी. ये दो टमाटर मैंने कट कर लिया था, वो मैं डाल दूँगी. और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी नमक और मसाले भी कर दूँगी, तो फटाफट जल्दी जल्दी हो भी जाएंगे. और हरे मटर भी कुछ मिला दूँगी इसमें. तो बस आलू मटर टमाटर का सब्जी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल में, तो मैं अभी शेयर नहीं कर रही हूँ. मोटा मोटा थोड़ा रेसिपी मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को. अगर इसका फुल रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल में आप चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, नहीं तो आई बटन में इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा. इसके बाद सब्जी मेरी बन रही है, मैं यहाँ पे आटा लगा लिया जल्दी जल्दी में, क्योंकि मुझे रोटियाँ सेकनी है. बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी के साथ रोटियाँ, गरम गरम रोटियाँ. तो चलिए एक बार मेरा ये काम हो जाए तो बस तसल्ली से. यहाँ पे मयंक अपना तैयारी कर रहा है, क्योंकि कल मंडे है और कल एग्ज़ाम भी है उसका, मतलब ऐसे नॉर्मली जो क्लास टेस्ट होते हैं. और यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, रोटी है, आलू मटर टमाटर की सब्जी है, उसके साथ मैंने एग्स को फ्राई कर दिया था नॉर्मली. तो बस वही हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया. तो आइए आप लोग भी हम लोगों के साथ ब्रेकफास्ट कर लीजिए. और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने लंच में दाल चावल बनाए थे, और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया. मैं डायरेक्टली आप लोगों से मिल रही हूँ एकदम शाम को, क्योंकि मैं बोली थी ना, मैं थोड़ा सा थकी थकी लग रही थी, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं मेडिसिन लेके सो गई थी. उसके बाद मैंने कुछ काम नहीं किया था आज. और होता है ना, संडे एक दिन है और सब कोई घर में रहता है, मन तो करता ही है कि कुछ अच्छा सा बनाऊं, लेकिन सुबह में मेरा तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ बनाने में. तो अभी बस थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही है, इसलिए मैंने स्वेटर चढ़ा लिया है. और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी शाम को सबके लिए चाय, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं फ्रेश फील कर रही हूँ, क्योंकि मेडिसिन लेके सोना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. क्योंकि इतना काम करते करते ना थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाते हैं गाइस. आप लोग पूछते हो ना, दीदी आप थकती नहीं हो क्या? तो थक जाती हूँ, तो ऐसे ही हाल हो जाता है, मैं कुछ काम नहीं करने सकती हूँ, तो बस मेडिसिन लेना ही पड़ता है. तो ऐसा ही कुछ था आज का दिन. तो चलो शाम को थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज सबके लिए बहुत अच्छा कुछ मैं बनाने वाली हूँ शाम का नाश्ते में.
मतलब होता है ना इवनिंग स्नैक में कुछ बहुत अच्छा कुछ मैं बनाऊंगी, रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और अभी तो फ़िलहाल बन रही है सबके लिए शाम की चाय, और मयंक के लिए मैंने मिल्क गर्म कर दिया है, उसको थोड़ा सा अभी सर्दियों में ना थोड़ा सा हल्दी वाली दूध बहुत फ़ायदा करती है, तो मैंने उसके लिए वही बना दिया था आज। तो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी शाम का वक्त है, सुबह से ना एक्चुअली मैं ब्रेकफास्ट बनाने के बाद थोड़ा सा हम लोगों का निकलने का प्लान हो गया था, तो उसके बाद मैं घर आई तो ऐसा कुछ बनाई नहीं थी, दाल चावल ही बना दिए थे। और अभी शाम को चाय वाय पी के मैं आई हूँ किचन में, आप लोगों के लिए नहीं सबके लिए। एक्चुअली मैं बनाने वाली हूँ चिकन हॉट डॉग, एकदम देसी स्टाइल, बड़ा अच्छा लगता है। पूरा इंग्रेडिएंट्स मैं रेडी करती हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। एकदम झटपट बन जाती है और बहुत ही चटपटा बनता है, और बच्चे को तो बच्चा लोगों को बहुत पसंद आते हैं और बड़े लोगों को भी बहुत पसंद आता है। पहले भी मैं बना चुकी हूँ बहुत बार, तो मैं सोची कि चलो आज मयंक का फरमाइश है कि मम्मी हॉट डॉग बना दो, तो मैं क्यों ना आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूं। तो चलिए मैं रेसिपी शेयर कर। तो जी, मैंने यहाँ पे ले लिया है चिकन, चिकन 500 ग्राम है और 500 ग्राम उसमें मैं मैरिनेट कर रही हूँ हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रेगुलर मिर्च भी डाला है, उसके साथ धनिया पाउडर, और इसके साथ ही मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक। बाय द वे, ये देसी स्टाइल बन रही है ना, तो मैरिनेशन भी देसी स्टाइल होगा। तो बस, और ये बहुत ही चटपटी सी बनने वाली है। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ होममेड चिकन मसाला और उसके साथ थोड़ी सी सिरके का पानी। बाय द वे, आप गरम मसाला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी चिकन जो मसाला पाउडर होता है वो यूज़ कर सकते हैं। बस इसको मैं मैरिनेट करके छोड़ दूँगी, ज़्यादा देर इसको छोड़ना नहीं है, बस इसको मैरिनेट कीजिए और उसके बाद में फटाफट 5 मिनट का रेस्ट दीजिए, और उसके बाद फटाफट आप इसको बना लीजिए। तो चलिए, यहाँ पे मैरिनेशन मेरा हो गया है। जब तक मैरिनेशन का मतलब पूरा कंप्लीट हो रहा है प्रोसेस, रेस्ट हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे कटिंग चॉपिंग कर लूँ। तो ऐसे ही मैं प्याज टमाटर अदरक और लहसुन के ही बनाने वाली हूँ, जैसे हम लोगों का इंडियन स्टाइल देसी स्टाइल बनता है ना, उसी तरह मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर आज चिकन हॉट डॉग। और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, ये मैं पहली बार तो नहीं बना रही हूँ, पहले भी मैं बना चुकी हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने सोचा कि चलो सबके लिए बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ मैं रेसिपी क्यों ना शेयर करूँ। एक बार आप लोग तो बहुत तरह से चिकन हॉट डॉग बनाए होंगे घर पर, या फिर आप लोग शॉप से इसको टेस्ट किए होंगे, लेकिन आप एक बार मेरी तरह इस तरह से बना के देखिए। बच्चे बहुत प्यार से खाते हैं, और बड़ों जो लोग बड़े होते हैं उन लोग को भी बहुत पसंद आता है। ट्रस्ट मी, एक बार मेरे तरीके से आप बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। और एक्चुअली प्याज टमाटर से हम लोग रेगुलर कुक करते हैं, तो हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा ईज हो जाती है, मतलब हम मम्मीज़ लोग के लिए भी थोड़ा सा ईज हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पे लहसुन की कुछ कलियाँ ले चुकी हूँ, और अदरक को मैंने ना घिस लिया है इस तरह से। तो जी चलिए, अब मैं प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। बाय द वे, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जो गार्लिक मैंने लिया है उसको ना छोटे छोटे चॉप कर लीजिएगा, जितना बारीक आपसे हो सकता है उतना बारीक चॉप कीजिए, कोई रेस नहीं लगानी है आपको, एकदम बारीक करनी है, आपसे जितना होता है आप उतना ही इसको बारीक कर लीजिए, और हाथ कटनी नहीं चाहिए। एक गार्लिक बारीक चॉप करना ना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। एक्चुअली मुझे लगता है कि ये बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन मैंने कर लिया है फटाफट से ये वाला काम भी। अब मैंने एक पैन ले चुकी हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। बाय द वे, ये रेगुलर ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आप करिएगा कि हॉट डॉग जब बना रहे हैं तो मस्टर्ड ऑयल में मत बनाइए, अगर आप यूज़ करते हैं मस्टर्ड ऑयल तो। बस ऑयल हीटअप हो जाए इतना चेक कर लीजिएगा, उसमें गार्लिक डाल दीजिएगा डायरेक्ट, और कुछ नहीं करना है। गार्लिक को थोड़ा सा फ्राई करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। बस इसमें डाल दीजिए प्याज, और प्याज डालने के बाद प्याज को भी आपको भूनना है, लेकिन प्याज का भी आपका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा पिंक हो जाए
दैट्स इट। थोड़ा सा सौते ही करना है, इससे ज़्यादा हम लोगों को कुछ नहीं करना है। और ब्राउन, एकदम ब्राउन तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तो बस इस तरह से प्याज को बिना अनअटेंडेंट, मतलब अनअटेंडेंट मत छोड़िएगा, इसको कंटिन्यूसली स्टर देते हुए पका लीजिएगा। तो ऑनियन थोड़ा सा कलर चेंज कर जाए, साथ ही साथ आप टमाटर ऐड कर दीजिए। इसको ज़्यादा आपको गलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। इसमें ऐड कीजिए हरी मिर्च, और इसके साथ मेरे पास थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन था तो मैं वही ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन मैंने ऐड कर दिया कट करके। उसके साथ जो अदरक मैंने रख दिया था वो अदरक भी ऐड कर दूंगी। इसका स्मेल थोड़ा ख़त्म हो जाए बस उतना दूर तक ही आप कुक कीजिए इसको, ताकि ये जो अदरक है ना उसका स्मेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। नहीं तो अदरक का स्मेल आएगा तो खाने में एकदम अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए यहाँ तक का तो प्रोसेस हो गया। इसके बाद जो चिकन मैं मैरिनेट करके रखी थी वो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ डायरेक्टली। और ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा स्टर देंगे, थोड़ा सा मिक्स्ड देंगे अच्छे से, ताकि पूरा मसाले के साथ ये थोड़ा सा मिक्स्ड अप हो जाए, थोड़ा सा एक रस हो जाए। बस उतना तक ही हमको पकाना है इसको। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, हाफ ऑफ कप। और चिकन बोनलेस लीजिएगा, विद बोन मत लीजिएगा, क्योंकि हॉट डॉग में बोनलेस ही ज़्यादातर अच्छा लगते हैं और अच्छे लगते हैं एक्चुअली। तो चिकन बॉयल्ड हो जाए बस उतना देरी तक वेट कीजिए, और इसमें ऐड कीजिए ऑरिगैनो। मेरे पास ऑरिगैनो था, आप यहाँ पे चिली फ्लेक या फिर पिज्ज़ा सीज़लर यूज़ कर सकते हैं, या फिर पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ऑरिगैनो यूज़ कर रही हूँ। बाय द वे ये हर्बल प्रोडक्ट है और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं घर पे यूज़ करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। देखिए कितना फटाफट चिकन मेरा पक चुका है, देखिए टूट रहा है साइड से। तो बस अब हमको कुछ नहीं करना है, इसमें नमक थोड़ा सा ऐड करना है क्योंकि नमक एडजस्ट करना है। यहाँ पे नमक कम था तो बस नमक ऐड कर दीजिए स्वाद अनुसार, और इसको थोड़ा सा स्टर देते हुए इसको थोड़ा सा और पका लीजिए, तक एक लटपटी सी चिकन का सब्जी बन जाए अच्छे से। मतलब चिकन का भी सब्जी बनता है, मतलब चिकन का ग्रेवी उस तरह से बन जाए, सॉरी स्लिप ऑफ टंग। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर केचप, और टमाटो केचप ऐड करने के बाद इसे ना टेस्ट थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है, बच्चों को बड़ा पसंद आता है, थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट करता है तो अच्छा लगता है। बस 5 मिनट रेस्ट कराइए, थोड़ा सा इसको और पका लीजिए 5-10 मिनट्स तक, दैट्स इट। ये रेडी हो चुका है। इस तरह का एक ब्रेड ले लीजिए और बीच से कट लगा लीजिए, जैसे मैं लगा चुकी हूँ बीच से कट। और इसमें हम ऐड करेंगे जो हम लोगों ने स्टफिंग बनाया था अभी अभी चिकन का, तो बस स्टफिंग को इसमें ऐड कर दीजिए। और जितना इसको मतलब भर के ऐड कर सकते हैं उतना ही अच्छा लगता है। तो मैं ये स्टफिंग पूरी तरह से फुल करके मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, और ये बेहद अच्छा बना था। मतलब सब कोई खाया, सब ने बोला बड़ा अच्छा बना था, मैं खुद भी टेस्ट की, ऑसम बना था गाइस। आप लोग भी इसी तरह से बनाइए, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा जल्दी भी बनता है। स्नैक आइटम कोई घर में आ जाए तो आप लोग फटाफट से ये बना के दे सकते हैं। तो ये वेज भी बनते हैं पनीर के साथ, कॉर्न के साथ, वो रेसिपी भी मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सेम है, सिर्फ यहाँ पे चिकन नहीं होगा, पनीर या कॉर्न हो जाएगा। तो बस वेज हॉट डॉग रेडी हो जाएगा। तो चलिए ऊपर से थोड़ा सा सॉस दे देते हैं टमाटो केचप, और ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, और बस इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे चीज़। एक चीज़ क्यूब ले लीजिए और उसको स्प्रिंकल कीजिए इस तरह से इसके ऊपर से चीज़। तो चीज़ी हॉट डॉग रेडी हो जाएगा हम लोगों का। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, वाओ लुक एट दिस, लग रहा है ना शॉप वाली जो हॉट डॉग होते हैं जो हम लोग खाते हैं, तो वैसा ही लग रहा है देखने में। तो आप लोग भी घर पे बनाइएगा ज़रूर, और मुझे कमेंट करके बताने मत भूलिएगा कि ये जो हॉट डॉग है ये कैसा लगा, इसका रेसिपी आप लोगों को, और हाँ इसका टेस्ट भी कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा घर पे बनाने के बाद, घर पे ट्राई करने के बाद। चलो जी,
मैंने बना लिया और उसके बाद किचन का हालत देखो। अभी ये सब भी मुझे समेटना है, रात का थोड़ा बहुत कुछ देखूंगी, खाना भी बनाना है, हल्का फुल्का सब खाएंगे क्योंकि इतना ज्यादा सब कोई खा लिया तो अभी किसी को खाने का कुछ एज सच मूड नहीं है। फिर भी हल्का फुल्का कुछ बना दूंगी, देखती हूँ कोई कुछ खाए तो ठीक है। और रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज बताने मत भूलिएगा, और रेसिपी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय ब्लॉग, और इसी तरह से अच्छे अच्छे रेसिपीज में आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। फिलहाल मैं चलूं किचन समेटने, देखो किचन समेट लूं, ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल सोनी इंडियन मॉम विद परमा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। कल मिलते हैं एक फ्रेश ब्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ, बाय बाय।